यमुनानगर के कस्बा रादौर में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नायब और नवीन जिंदल में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही राशि के हैं और मिलकर रादौर के विकास के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक बार फिर मोदी की लहर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो कहा वो करके दिखाया और जो नहीं कहा उस पर भी काम चल रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी हमला किया। कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। भाइयों, कोई फर्क नहीं है नायब और नवीन के अंदर, एक ही राशि है, डट करके इस क्षेत्र को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जहां जहां भी जाता हूं एक ही उत्साह और जोश लोगों का देखने को मिलता है और एक ही बात लोग बोलते हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी, अब की बार ये सभी जगह ये सुनने को मिलता है और लोगों के अंदर उत्साह भी क्यों ना हो। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम आप सबके आशीर्वाद से किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ जोड़ने का काम किया है। और मैं देखता हूं जितनी भी इन 10 वर्षों के अंदर योजना बनी है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के नेताओं ने ना किया हो। हर योजना का उन्होंने विरोध किया है। और भाइयों, एक बात उनको नजर आ रही है कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी जो बोलता है उसको करता है, और उनको समय लंबा मिला, अपने समय में वो कार्य नहीं कर पाए। और जब आज गरीब की बात होती है, जब आज किसान की बात होती है, जब आज महिला की बात होती है, जब आज युवा की बात होती है, तो कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। उनके बड़े नेता वो इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। भाइयों, हमने देखा है कांग्रेस के अंदर एक बड़ा जो नेता है उनके अंदर बड़ी घुटन महसूस हो रही है, और ऐसी घुटन महसूस हो रही है। आज मैं अभी देख रहा था कांग्रेस का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष, वो गाड़ी से उतर का बाज गया, वो रहा नहीं है कांग्रेस के साथ। हरियाणा के अंदर भी कई लोग देख रहे हैं कौन से रास्ते से किधर जाना है। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने इस देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, किसानों के साथ मजाक करते थे, ये कांग्रेस के लोग ही करते थे। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, परंतु किसान के साथ अन्याय होता था और अन्याय होता था। 2 रुपए का चेक थमा देते थे, 5 रुपए का चेक थमा देते थे, उसको अपमानित करने का किसान को काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और भाइयों, 267 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के समय का रुका हुआ था, वो भी पैसा हमारी सरकार ने किसान तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर अंतर भी देखना चाहिए, कौन सी सरकार हमारे हित में काम कर रही है, कौन सी सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। निर्णय तो आप लोगों ने करना है और निर्णय करवाना है, परंतु मैं बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, और भाइयों मुझे बताते हुए दुख भी हो रहा है। जब कांग्रेस का शासन था 10 वर्षों का, अगर हम देखें मात्र 1100 करोड़ रुपया मेरे किसान के अगर फसल का खराबा हुआ है,
तो कांग्रेस के समय में भाइयों देने का काम किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाइयों किसानों को इन्हीं 9.5 वर्षों के अंदर अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है 12,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।